ईशा के सामने विवियन ने जो है धमकी दे दी है कि अगर 3 बातों के बाद अगर ये बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी पे आता है ना, तो फिर अगर ये ठीक नहीं हो सकता, अगर इसको इज्जत करनी नहीं आती है ना, तो कोई बात नहीं, फिर इसको उठा के जो है साइड में बिठाएंगे। अब जो है विवियन बात कर रहे हैं अविनाश के बारे में। अविनाश जो है काफ़ी सारी चीज़ें उंगलीबाजी कर रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ये बंदा जो है वो पॉइंट अच्छे उठाता है और कॉन्टेंट भी काफ़ी ज़्यादा दे भी रहा है, सब चीज़ें कर भी रहा है, पर जहाँ पर ये 30-40% जो है जहाँ पर रॉन्ग होता है, 30% रॉन्ग अगर चला जाता अपने बिहेवियर के कारण, अपनी लैंग्वेज के कारण, बहुत ही सब चीज़ें कर चला जाता है और बहुत ही ज़्यादा अटक जाता है एकदम फेविकोल के जैसा, फेविकोल से भी ज़्यादा मजबूत जो है वो ये स्टिक हो जाता है वहाँ पर, तो वो चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं है, वो चीज़ें जो है सर्वाइव नहीं कर सकती और कोई भी बंदा या बंदी जो है इसके साथ रह नहीं सकते अगर इसको इतना ही अड़ियल रहना पड़ेगा। तो ये विविन को भी काफ़ी ज़्यादा अविनाश के ऊपर गुस्सा आया, क्योंकि जब ड्यूटीज़ बांट रहा था अरफीन, जब ड्यूटीज़ बांट रहा था तब उस वक्त भी उंगलीबाजी की और वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बहस बसैया जो है, इवन विवियन और जो है करणवीर और अविनाश का जो है हुआ, उसके बाद जो है इवन वहाँ पर चाहत और ईशा का भी झगड़ा हुआ, जिसके बारे में जो है गार्डन एरिया में जब ये लोग आए, आने के बाद जो है ईशा को विवियन ने बोला कि देखा तुझे उसको समझाना चाहिए। अभी ये रजत दलाल जो है ये कभी कहीं पर टपकता है, वो बोलते हैं ना कि बस ऐसे ही टपक पड़ता है, ये कहीं से भी टपक पड़ता है, कभी किसी को बोलता है, अगर हेमा ईशा को समझा रही कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पर जाके आके बोलता है कि नहीं, इसको आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, ये खुद समझदार है, और फिर अविनाश को जाके खुद ही समझाने लग जाता है कि भाई तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके खुद ही डबल स्टैंडर्ड जो है रजत के भी दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर विवियन ने जो है ये बात बोल दी कि भाई ईशा तुझे जो है ना अविनाश को समझाना चाहिए, जहाँ पर ये थोड़ी बहुत इरिटेट हुई और इरिटेट होकर बोली कि विवियन मैं कैसे समझाऊँ, मेरा वो दोस्त है, पर ऐसा थोड़ी ना कि मैं उसको बाहर से लेके आई हूँ या मैं बहुत पहले से जानती हूँ या मेरे बचपन का दोस्त है, मैं ऐसे थोड़ी ना उसको समझा सकती हूँ। जहाँ पर विवियन का भी कहना ये है कि मैं तेरे को बोल नहीं रहा हूँ कि फोर्सफुली तू समझा, देख अगर हो पाए तो तू समझा। तो ईशा का भी कहना ये है कि भाई 3 बातों पे ना वो चौथी बात पे बदतमीजी पे आ जाता है। तो विवियन ने भी बोल दिया, विवियन ने भी धमकी कहीं ना कहीं दे ही दी कि अगर वो ऐसी चीजें करेगा, अगर बातों पे धमकी, अगर ये बदतमीजी पे आता है तो ठीक है, फिर उसको बिठाएंगे अकेले में अलग से बिठाएंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। तो अब जो है विवियन को जो है चाहत के ऊपर तो गुस्सा है ही, जो कि दिखाई दे रहा है, जो कि बाहरी दुनिया में जो है बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल कोई भी नहीं कर रहा है विवियन की इस हरकत को, पर जो अविनाश के साथ हो रहा है, जो लग रहा है, वो काफी ज्यादा इंजॉय जो है लोग कर रहे हैं, क्योंकि विवियन की लगनी भाई किसी लड़के से ही थी और करणवीर के साथ लगने के लिए सोचते हैं कि भाई इनकी दोस्ती जो है वो दुश्मनी में बदल जाए, कुछ लोग ऐसे हैं कि दुश्मनी में बदल जाए भाई हम लोगों को एंटरटेन हो, बट अगर नेचुरल तरीके से हो तो ऑफकोर्स एंटरटेन का तो फिर कोई भी कमी नहीं रहेगी। पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।